Hey everyone, how are you all? So today we are going to study chapter 1 of book Hornbill. Chapter's name is The Portrait of a Lady, जिसके राइटर ने खुशवंत सी. सो ये एक स्टोरी है जो नरेटर अपने बचपन के बारे में बताना चाहते हैं. तो देखो, कोई भी अपनी स्टोरी कैसे बताते हैं. मान लो कि आप हो. आप अपनी स्टोरी है, वो कैसे बताओगे किसी को? जब आप अपने बचपन से उसकी बातें बताओगे, आगे क्या हुआ वो सब बताते हो, तो ऐसे ही नरेटर है जो अपने बचपन की बातें बता के जिसने एक स्टोरी लिखी है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. तो सबसे पहले लेखक क्या कहता है कि वो सबसे पहले बताता है अपने ग्रैंड मदर के बारे में. पूरे चैप्टर में हम एक ही उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है नरेटर की ग्रैंड मदर. तो क्या होता है ना कि जब उसकी ग्रैंड मदर है, वो ग्रैंड मदर है तो पता चल रहा है क्या होगी, बूढ़ी होगी. तो उसकी ग्रैंड मदर है वो थोड़ी बूढ़ी है, उसके जो फेस है उस पर थोड़ी सी रिंकल्स हैं, वो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है और उसका जो फेस है वो पेल येलो है. तो लेखक उसके बारे में बताता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो ना तो ज़्यादा प्रिटी है, लेकिन फिर भी वो ब्यूटीफुल है. लेखक ने उसको प्रिटी तो नहीं बोला, लेकिन उसको क्या बोला कि ये ब्यूटीफुल है. ब्यूटीफुल इन द सेंस फिजिकल अपेयरेंस नहीं है, उसकी जो इनर जो डिवाइन सेंस है उसके बारे में बोला है लेखक ने कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट नॉट सो प्रिटी. सो तो एक दिन क्या होता है ना कि जो नरेटर होता है, जो राइटर होता है, वो अपनी दादी के कमरे में जाता है, जो उसकी ग्रैंड मदर उसी कमरे में जाता है. तो वो एक कुंडी होती है जिसके ऊपर मतलब कोई सामान टंगा होता है, तो उस पर उसके दादा की पोर्ट्रेट टंगी होती है. पोर्ट्रेट मान लो कि एक फोटो फ्रेम ही लगा लो, तो उसमें क्या होता है, उसके दादा की और उसकी दादी की एक तस्वीर होती है. तो जो उसका दादा होता है उसके बारे में वो बताता है कि वो बहुत ही बूढ़े लग रहे हैं, उसकी जो चेस्ट है वहाँ तक की उसकी जो दादी है वो आ रही होती है, और वो ऐसे लगते हैं कि मानो उनके बहुत सारे क्या हो, ग्रैंड सन्स हो. इससे क्या बताना चाहते हैं कि राइटर की उसकी बहुत सारे ग्रैंड सन, मतलब कि वो क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं. तो पोर्ट्रेट पे जब उसने मेंटल पीस पे देखा कि उसके दादाजी का पोर्ट्रेट लगा हुआ है, उसके साथ में उसकी दादी का भी था, तो वो बोलता है कि उसकी दादी तब भी वैसी थी और अब भी वैसी है, मतलब कि थोड़ा सा भी कोई भी चेंज नहीं आया है दोनों में. लेकिन उसके दादा ऐसे लगते हैं कि वो कभी थे ही नहीं, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था उनको. लेकिन जो राइटर कहता है कि लोग क्या कहते हैं, जो पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि उसकी दादी ना पहले बहुत सुंदर थी. लेकिन लेखक ये कहते हैं नहीं, ये मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ उसने उसकी दादी को वैसे ही देखा, वो बिल्कुल भी बदली नहीं. तो क्या होता है कि अब जो राइटर है उसके जो मदर और फादर, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, वो सिटी गए होते हैं काम की तलाश में. तो घर पे बस रहता कौन है, ग्रैंडफादर की डेथ हुई होती है, रहता घर पे कौन है, ग्रैंड मदर रहती है और एक ग्रैंडसन नरेटर, वो दोनों घर में रहते हैं. तो फिर क्या होता है कि जो नरेटर होता है वो जाता है अपने स्कूल में, तो उसकी दादी उसको सुबह जल्दी उठाती है, उसे तैयार करती है, उसे खाने में पता है क्या देती है, बासी रोटियां देती है, जिसे बोलते हैं स्टेपल चपाती, उस पर अच्छा सा उनको गर्म करके खाती हैं वो, और दोनों आपस में खा के ब्रेकफास्ट करके उन पर अच्छा सा बटर लगा के फिर वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं. तो जब स्कूल के लिए जाते हैं तो उसकी दादी उसे छोड़ने जाती है, और फिर क्या होता है वहीं पर एक टेम्पल भी होता है स्कूल के पास में. तो जो उसकी ग्रैंड मदर होती है नरेटर की, वो क्या करती है, लेखक तो जो राइटर है वो तो अपना पढ़ने के लिए स्कूल में चला जाता है, पास में जो टेंपल होता है वो वहाँ पे इतने स्क्रिप्चर्स पढ़ती है, लेख पढ़ती है जो पुराने होते हैं भगवान के, और वो पता है कैसी लेडी, वो बहुत कंजर्वेटिव लेडी होती है, वो उसका भगवान के अंदर बहुत ही ध्यान होता है. तो फिर जो भी ग्रैंड मदर है वो उसके लिए बहुत ही उससे लव करती है अपने ग्रैंड सन से, दोनों एक ही कमरे में सोते हैं और वो दोनों आपस में बहुत खुश हो रहे होते हैं. तो जो उसके मदर और फादर, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो सिटी गए हुए थे, तो अब वो सिटी के अंदर सेटल हो चुके होते हैं. सेटल होने के बाद क्या होता है, फिर वो उनकी ग्रैंड मदर और उसके नरेटर को बुला लेते हैं कि तुम भी अब सिटी में आ जाओ, हमने सारा सेटअप कर रखा होता है. तो फिर वो दोनों भी सिटी में चले जाते हैं. अब आता है टर्निंग पॉइंट, उनकी जो फ्रेंडशिप होते हैं, उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि जो नरेटर होता है अब वहाँ स्कूल में जाएगा. अब सिटी है, सिटी के अंदर क्या है, वेल इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स हैं, तो उनके अंदर जो स्टडीज़ होती है वो अलग होती है, और जो गांव के स्कूल होते हैं उनके अंदर क्या होती है, स्टडीज़ अलग होती हैं, थोड़ा हिंदी मीडियम स्कूल होता है गांव का. तो फिर क्या होता है, जब लेखक जाता है वहाँ पे सिटी में, तो उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है, उनको म्यूज़िक सिखाया जाता है, जो उसकी दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. वो जब उसकी दादी को आके बताता है, क्या होता था ना कि गांव के स्कूल में उसकी दादी को आके वो बताता था कि मेरे स्कूल में ये हुआ, तो उसकी दादी उसके होमवर्क में काम कराती थी, जैसे ABCD वो स्टार्टिंग से ही शुरू करता है, तो उसको दादी को आते तो स्टार्टिंग वो बताती है. गांव के स्कूल्स में गॉड पर भी ध्यान दिया जाता है, कि भगवान की भक्ति पर भी उन्हें थोड़ा बताया जाता है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है. जब वो बताया, वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करता है, तो वो उसकी दादी को बताता है. तो जो उसकी दादी होती है ना, जो उसकी ग्रैंड मदर होती है, उसको उसकी स्टडीज़ में हेल्प नहीं करा पाती, क्योंकि वो आगे की स्टडीज़ होती है, उसको ध्यान में कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं समझा पाती, तो वो उदास हो जाती है. फिर क्या होता है कि जो म्यूज़िक सिखाते हैं, तो उसकी दादी सोचती है कि ये क्या सिखाया जा रहा है, वो बहुत ही उदास होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है, कुछ कहती नहीं है, वो सोचती है, कंजर्वेटिव टाइप की लेडी है, वो ये सोचती है कि ये जो म्यूज़िक का काम है ये सिर्फ हार्डलेट्स का काम होता है और बैगर्स का काम होता है, मतलब कि ये सब वैश्याओं का और भिखारियों का काम होता है गाना बजाना, ये जो भी वेल फैमिलीज़ हैं उनका ये काम नहीं होता है, वो अपना काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो म्यूज़िक डांस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उन्हें ये क्यों सिखाया जा रहा है, उन्हें ये इंग्लिश स्कूल जो सिटी में वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. फिर क्या होता है, लेखक की जो स्कूल की स्टडीज़ होती हैं वो क्या होती है, कंप्लीट हो जाती हैं, फिर जो नरेटर है वो चला जाता है अपनी अब्रॉड में स्टडीज़ करने के लिए, वो 5 ईयर के लिए जाता है. लेकिन जब वो उसकी दादी को बहुत दुख होता है वो उसे छोड़ते हुए, क्योंकि दोनों के अंदर क्या होता है, इंटीमेट फ्रेंडशिप होती है,
सिटी में थोड़ी कम हो जाती है लेकिन फिर भी होती है, तो बहुत दुखी होते हैं दोनों। लेकिन वो जो 5 साल बाद जब वापस उसका अराइवल होता है तो सोचता है कि उसकी दादी अभी भी जिंदा है, क्योंकि जो वो पहले जाते वो सोचता था कि ये उसकी दादी का और उसका आखिरी मीटिंग है, बाद में क्या पता उसकी दादी से वो मिले भी या ना मिले, तो वो ये सब सोचता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब वहाँ जाते तो वो बहुत खुश होता है उसकी दादी को देखकर। उसकी दादी वैसे बूढ़ी हो जाती है, बीमार होती है, जब वो चला जाता है वो क्या करती है कि मतलब जो भी उनका जो वरांडा होता है उसके अंदर जो भी चिड़िया होती है उनके अंदर क्या डालती है, उनको दाने डाल दिए और वरांडा के बैठकर सूत जो वो नहीं होती जो गांधी जी वो सूत वो करते थे, तो वो करती रहती है और हमेशा क्या करती रहती है दोपहर के टाइम पे, वो उसका फेवरेट पास टाइम होता है, वेकेशन भी आएंगे तो वो उनको क्या जाती है चैपिंग करते रहते हैं जब बर्ड्स स्पैरोज, तो उनको वो क्या करती है सीड्स डाल देती है, जैसे बाजरा के गेहूं के वो सीड्स डाल देते, जिससे वो उसके कभी हाथ पे बैठते हैं कभी सिर पे बैठते हैं, तो बहुत खुश रहती है उस टाइम पे। लेकिन जब वो आता है नरेटर तो उसकी दादी थोड़ी सी बीमार हो जाती है, लेकिन दिखती अभी भी वैसी जैसे पहले थी, और जब नरेटर पैदा हुआ तब भी वैसी थी और अब आता है तब भी वैसी, लेकिन थोड़ी सी हो जाती है वो हो जाती है थोड़ी सी बीमार, ठीक है। तो जब बीमार हो जाती है तो वो आता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि उसका पोता आ रहा है तो सारे गांव की औरतों को सारे आसपास की औरतों को क्या कर लेती है इकट्ठा कर लेती है, तो बहुत सारी औरतें ढोल बजाते हैं, तो जो उस नैरेटर के जो पेरेंट्स होते हैं मदर फादर उसको मना भी करते हैं कि ऐसे मत करो तो तुम बीमार हो जाओगे, लेकिन वो नहीं मानते, वो इतनी खुश हो जाती है। लेकिन उसकी तबीयत पहले ही खराब थी, ड्रम बजा के उसने इतने ज़ोरों से, एक पुराना सा ड्रम था जो बिल्कुल ठीक भी नहीं था, उस पर इतने ज़ोरों से हिम्मत करके उसने ड्रम बजाया, तो फिर क्या होता है ना उसकी जो हालत हो जाती है वो बहुत ही वीक हो जाती है, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगी, इसको सिटी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाए। तो फिर वो कहते हैं कि उसकी दादी को समझ आ जाता है कि उसकी जो डेथ है वो उसके नियर ही है, मतलब कि अब उसकी मौत का समय आ चुका है और अब उसे जाना चाहिए। तो वो कहती है कि अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मैं भगवान के नाम लूँगी, ऐसी बोलूँ कि वो कंजर्वेटिव लेडी थी तो वो भगवान का नाम लेती है और उसकी डेथ हो जाती है, वो किसी से भी बात नहीं करती है। फिर क्या होता है कि जो स्पैरोज थी जिनके आगे वो सीड्स डालती थी, तो जब उनकी उनको डेथ सेरेमनी मनाई जाती है तो स्पैरोज होती है वो बहुत ही सैडनेस फील करती है, वो चर्प नहीं करती, बिल्कुल चुपचाप वहाँ पे मॉर्निंग जो उनकी हॉरी होती है तो वो बहुत ही अपना दुख व्यक्त करती है उनकी मौत पर और वो चर्प नहीं करती हैं। और जब उसकी नैरेटर की जो मदर होती है वो उनके लिए ब्रेड के पीस को डालती है तो वो उसे भी नहीं खाती हैं, बिना उसे छे चली जाती हैं। तो अगले दिन क्या होता है, फिर जो उन्होंने ब्रेड के पीसेज जो नहीं खाए थे उसको जो स्वीपर होता है वो उठा के ले जाता है, दैट्स द होल स्टोरी। तो स्टोरी के अंदर देखो हमें क्या बताया गया, स्टोरी के अंदर हमें बताया है पहली चीज़ की जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स अपने जो ग्रैंड सन्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, भले ही वो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनका प्रेम अपने पोते अपने बेटे अपने बहू के लिए कम नहीं होता। दूसरा क्या दिखाया जाता है कि जो बर्ड्स भी होते हैं वो भी ह्यूमंस से वो भी अदर एनिमल्स से क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं, और वो भी उनकी डेथ पर या जब भी उनके एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो भी अपनी सैडनेस अपना दुख क्या करते हैं प्रकट। तो ये था पूरा चैप्टर, अगर आपको पसंद आया हो तो गाइज तो चैनल को प्लीज़ क्या करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर पसंद ना आए तो भैया देख लो आगे की वीडियोज़ अच्छी आएंगी। थैंक यू गाइज़।